हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका राहुल शांकृत्यायन जी का जीवन परिचय। तो किसी का भी जीवन परिचय हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनकी सहायता से आप उसमें एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्मरणीय बिंदु करने होते हैं जो कि एक हाईलाइटर का काम करता है, दूसरा होता है उनका जीवन परिचय और तीसरा होता है साहित्यिक परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। जन्म हुआ राहुल शांकृत्यायन जी का 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को। राहुल शांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को हुआ और मृत्यु की बात करें तो 14 अप्रैल 1963 ईस्वी में आपकी मृत्यु हुई। जन्म इनका हुआ 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और मृत्यु की बात करें तो 14 अप्रैल 1963 ईस्वी में राहुल शांकृत्यायन जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो पंधा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ। माता की बात करें तो आपकी माता जी का नाम कुलवंती देवी था। राहुल शांकृत्यायन जी की माता जी का नाम कुलवंती देवी था। पिता की बात करें तो इनके पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे था। राहुल शांकृत्यायन जी के पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे तथा माता का नाम कुलवंती देवी था। अब बात करें कि बचपन में इनका नाम क्या था भैया, तो बचपन में इनका नाम केदारनाथ पांडे था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक है, बाद में इनका नाम कुछ पंडितों ने, काशी के कुछ पंडितों ने इनका नाम राहुल शांकृत्यायन रख दिया। अब काल की बात करें तो काल इनका आधुनिक काल है जिसमें इन्होंने रचनाएं की। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। अब रचनाओं की बात करें तो मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा, अता तो गुमाकड़ जिज्ञासा जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। जन्म हुआ है इनका 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को, ठीक है, और मृत्यु हुई है 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को। जन्म 9 अप्रैल 1893 और मृत्यु 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को आपकी जन्म व मृत्यु हुई है। अब बात करें आपका जो जन्म स्थान था वो क्या रहा है। ठीक है, तो जन्म स्थान इनका रहा है पंधा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में। माता जी का नाम आपकी कुलवंती देवी और पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे था। गोवर्धन पांडे पिताजी का नाम, माता का नाम कुलवंती देवी। आपके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। काल की बात करें तो इनका जो काल रहा है आधुनिक काल रहा है जिसमें इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, और रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट वो है मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा, अता तो गुमक्कड़ जिज्ञासा जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जीवन परिचय की बात करें तो देख सकते हैं आप राहुल शांकृत्यायन जी का जन्म, राहुल शांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ था। राहुल शांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को, देख सकते हैं आप राहुल शांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था और इनके पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे। राहुल शांकृत्यायन जी के पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे और माता का नाम कुलवंती देवी था। इनकी माता जी का नाम कुलवंती देवी, पिता का नाम गोवर्धन पांडे तथा माता का नाम कुलवंती देवी था। इनकी माताजी अपने मायके में रहती थी। इनकी जो माताजी हैं अपने मायके में रहती थी और माता की मृत्यु के पश्चात इनका जो पालन पोषण इनके नाना व नानी ने किया। माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनके नाना नानी ने किया क्योंकि इनकी माताजी मायके में रहती थी तो इन
माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण नाना नानी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई जो कि गांव में था। इनका विवाह बचपन में ही कर दिया गया। जिसके कारण ये क्षुब्ध हो गए, जिसके कारण इन्होंने घर छोड़ दिया। इनको बचपन में विवाह करना पसंद नहीं आया। ठीक है, राहुल शांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ जिले के पंदहा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे तथा माता का नाम कुलवंती देवी था। इनकी माताजी मायके में रहती थी। और माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनके नाना नानी ने किया। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मदरसे में हुई जो कि गांव में स्थित था, इसलिए मदरसे में हुई। ठीक है, इनका विवाह बचपन में ही कर दिया गया। उस टाइम क्या था, बाल विवाह की प्रथा चल रही थी। ठीक है, तो क्या कर दिया जाता था, बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, जो कि इनको पसंद नहीं आया। इस कारण इन्होंने क्या कर दिया, घर ही छोड़ दिया। और फिर ये मठ में आ गए। मठ में जब गए तो ये साधु हो गए। इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। इसके बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और फिर ये मठ में रहने लगे और वहां पे साधु हो गए। परंतु इनके उग्र स्वभाव के कारण वहां भी ये ना टिके और 14 वर्ष की आयु में ये कलकत्ता चले आए। फिर क्या हुआ, फिर इनकी यात्रा का क्रम इधर से उधर चलता ही रहा। ये एक जगह कहीं पे भी टिके नहीं। इनकी यात्रा का क्रम इधर से उधर चलता ही रहा तथा पूरा भारत भ्रमण करने के पश्चात, इन्होंने पूरा भारत भ्रमण करने के बाद ये श्रीलंका चले गए। श्रीलंका भी किस लिए गए थे, वहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने गए। इसके बाद पूरा भारत भ्रमण करने के बाद ये श्रीलंका चले गए जहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। और इनका नाम वहाँ पे था रामोदर साधु से इनका नाम राहुल तथा इनका जो गोत्र था सांकृत्य गोत्र के कारण इनका नाम सांकृत्यायन, यानी कि रामोदर साधु से राहुल और सांकृत्य गोत्र के कारण सांकृत्यायन पूरा नाम हो गया इनका, राहुल सांकृत्यायन। और काशी के पंडितों ने ही इनके महाज्ञान को देखकर इन्हें महापंडित की उपाधि दी। और इनका जो निधन हुआ है 14 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, तो राहुल जी को हिंदी और हिमालय से बड़ा प्रेम था। इन्होंने अपनी यात्रा अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। ये भारतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भाषण दिए हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तिका वैज्ञानिक भौतिकवाद एवं दिग्दर्शन में इसके बारे में प्रकाश भी डाला है अपनी रचनाओं के बारे में। अब बात करें इनकी कृतियों के बारे में, तो कि इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा जैसी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया, स्मरणीय बिंदु समझ में आए, साहित्यिक परिचय समझ में आया और कृतियाँ अच्छी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।